जय श्री साईं। बच्चों अभी वन मंथ में तो आप लोगों का एग्जाम होने जा रहा है और ये वीडियो पर्टिकुलरली हाउ टू प्रिपेयर इन योर एग्जामिनेशन उसका ऊपर तुम लोगों के लिए ही किया जा रहा है। और फर्स्ट ऑफ ऑल आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशन। तो अब एग्जाम में कोई फियर या कोई टेंशन कुछ करने का जरूरत नहीं है। यू शुड बी फर्स्ट, देखो यहाँ जो छह पॉइंट्स है, फर्स्ट वन यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट। अब कॉन्फिडेंट, जो कॉन्फिडेंट कैसा रहोगे, यू शुड हैव फेथ ऑन योर सेल्फ। देर इज ए प्रोवर्ब ऑफ स्वामी विवेकानंद, वो बोलते थे अगर तुम्हारा अपना ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है तो कोई भगवान नहीं है तुमको हेल्प करने के लिए। इफ यू हैव नो फेथ ऑन योर सेल्फ देन देर इज नो गॉड टू हेल्प यू। सो फर्स्ट बिल्ड कॉन्फिडेंस ऑन योर सेल्फ। Then second, you get the blessing of all the elders, your teachers, your parents. So it will give you a protection and you will find very much positive. उस time में आप लोगों को बहुत positive लगेगा और आप आपका जो exam pressure है वो release हो जाएगा। Second, you should have to prepare well for your examination. Well preparation is essential. Third, avoid over confidence. So there is a little bit difference between confidence and over confidence. Confidence means I can do it, I have prepared best, so I can do it. But over confidence, I am the only one to do this thing. ये है तो आप लोगों का over confidence. ये नहीं आना चाहिए, मैं अच्छा preparation किया हूं और मेरा साथ कोई injustice नहीं होगा क्योंकि मैं अच्छा preparation किया हूं, so I will get good marks. ये feeling आपका अंदर रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं ही अकेला हूं जो कि सबसे अच्छा कर सकता हूं दुनिया में और कोई अच्छा नहीं कर सकता है। तो इसमें क्या ना ईगोनेस आ जाएगा, ईगो एक नेगेटिव कैरेक्टर होता है, इसीलिए इससे बचो। आप प्रिपेयर करो, अपना ऊपर फेथ रखो, अपना पेरेंट्स का वेलबीइंग तो आप लोगों के साथ है ही है, वो अपना टीचर लोगों ने जो प्रिपेरेशन आप लोगों को किया है अच्छी तरह प्रिपेरेशन किए होंगे तो इसीलिए वो काम जरूर आएगा। और मैं उम्मीद करता हूं इससे आप लोगों का रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। तो आपको घबराने का या स्ट्रेस लेने का कोई मतलब नहीं, स्ट्रेस वर्ड को तो दिमाग से हटा दो। सेकंड, नेवर कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। कभी कंपेयर मत करो किसी के साथ कि मैं उससे बेटर करना है, नहीं, हमको मेरा रिजल्ट बेस्ट करना है। यू फॉरगेट अबाउट एवरीबॉडी, मैं प्रिपेयर अच्छा किया हूं तो मेरा रिजल्ट अच्छा ही होगा, ये खाली आप दिमाग में रखिए। ये कभी मत लाइए कि मेरे को उससे अच्छा करना है और उससे अच्छा करने के लिए मैं ऐसा करूंगा तो ये हो जाएगा, ऐसा कभी दिमाग में कोई भी आइडिया ऐसा डेवलप करने होने मत दीजिए। यू बिकम कूल, अवॉइड टू किसी से जेलस जो कैरेक्टर रहता है, ये सबसे बड़ा एक नेगेटिव कैरेक्टर है कि दूसरे से अच्छा करने के चक्कर में दूसरे के साथ कंपेयर करके हम अपने आप का नुकसान कर लेते हैं। कोई अगर अच्छा प्रिपेयर कर रहा है तो उसका बल्कि उसका अप्रिशिएट करो और उससे कुछ सीखने का कोशिश करो कि वो इतना अच्छा कर रहा है तो मैं भी अगर उस तरह करूंगा तो मेरा भी रिजल्ट अच्छा होगा। और सच में हो सकता है आप लोगों का रिजल्ट उससे अच्छा हो जाए। एंड यू प्रिपेयर योर बेस्ट। नेक्स्ट, योर बी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मींस यू मेक ए टाइम टेबल और व्हाटएवर इन योर ब्रेन कि मेरे को पर्टिकुलरली जैसा इवनिंग आवर होता है तो किसी भी कीमत पे इवनिंग आवर को मेरे को डिस्ट्रॉय नहीं करना है। मैं इवनिंग आवर में फोकस रहूंगा अपना स्टडी के साथ और मेरा एक प्लान रहेगा कि 4 to 6 आवर जैसा भी करके मेरे को पढ़ना है रेगुलरली। उसका बीच में कि कहीं बाहर जाना, ये सब डिस्ट्रैक्शन है, उस सब को अवॉइड करो कि मेरे को बाहर जाना है, कहीं पे सपोज पिक्चर देखना है और रेस्टोरेंट जाना है और मार्केट जाना है, ये सब फिलहाल 1 महीना 1.5 महीना का बात है। इसमें थोड़ा सा कंसिस्टेंट रहोगे तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा। कंसिस्टेंट होने से तुम्हारा कंसंट्रेशन भी डेवलप होगा और तुम लोगों ने बेटर रिजल्ट कर सकते हो। फोर्थ वन इज डोंट स्टडी फॉर मार्क्स। तो कभी भी तुम ये मत सोचो कि मैं जो भी पढ़ाई कर रहा हूं तो उसमें मार्क्स अच्छा मिलेगा। मार्क्स अच्छा जितना तुम्हारा स्टडी है, जिस हिसाब से तुम प्रिपेयर किए हो, जिस हिसाब से तुम्हारा टीचर तुमको हेल्प किए हैं, उस हिसाब से आप लोगों का मार्क तो आएगा ही, उसमें कोई डाउट मत रखो। अपना ऊपर फेथ रखो एंड यू ऑल्सो हैव फेथ ऑन गॉड सो यू विल गेट गुड मार्क्स। बट खाली मार्क्स के लिए अगर पढ़ोगे तो कोई काम फ्यूचर में कोई काम में नहीं आएगा। तुम वो सब्जेक्ट का अंदर जाओ और सब्जेक्ट को डिटेल में, वो सब्जेक्ट का को कैसा ऑब्जर्व करेंगे जितना हो सकता है तुम लोगों से उतना वो सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करो और वो सब्जेक्ट को ऑब्जर्व करो
और ये मार्क्स कितना आएगा नहीं, दिस इज नॉट इन आवर हैंड. कभी कभी होता है, कभी कई बच्चे का मार्क खराब हो जाता है, कहीं एग्जाम बहुत अच्छा प्रिपरेशन करने के बाद, तो उसमें उसको भी नजरअंदाज करके चलो, क्योंकि दिस इज द बिगिनिंग ऑफ योर लाइफ. 10th और 12th का बोर्ड एग्जामिनेशन, इसमें तुम्हारा लाइफ का जस्ट बिगिनिंग है. तो आगे तुम्हारा पूरा फील्ड पड़ा हुआ है तुम्हारा पास, और तुम्हारे अंदर अगर पेशेंस है, मैं लास्ट क्लास में भी बताया था कि अगर पेशेंस है तो तुम कहीं पे भी कुछ भी कर सकते हो. तो पेशेंस को बरकरार रखो और आगे तुम अपना मेहनत करते रहो, एंड यू हैव फेथ ऑन योरसेल्फ एंड फेथ ऑन गॉड, सो दैट यू विल गेट गुड रिजल्ट्स. देन यू कम टू विजुअलाइज व्हाट यू स्टडी. जो आप पढ़े हो, जो डेली आप पढ़ रहे हो, उसको थोड़ा 5 मिनट मेडिटेट करो. मेडिटेट करो मीन्स यू विजुअलाइज व्हाटएवर यू हैव लर्न. तुम जो भी पढ़े हो उसको थॉट में अपना लाओ कि मैथ्स में ऐसा हो सकता है मेरा, फिजिक्स में ऐसा हो सकता है, जो हिस्ट्री है हिस्ट्री में हो सकता है, और कोई भी सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट को विजुअलाइज करो. और जितना ज्यादा विजुअलाइज जाओगे उतना वो कंसंट्रेट फॉर्म में आ जाएगा ब्रेन में. तो कंसंट्रेट फॉर्म में ब्रेन में आने से उसमें कोई डाउट नहीं रहेगा. तो एग्जाम में जब उसमें ये फ्रेंड वर्ड तुम्हारा अंदर से निकल जाएगा, एग्जाम में तुम्हारा कोई कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा ब्रेन में, अगर विजुअलाइज पहले से किए हो. विजुअलाइज करने से परफेक्टली व्हाट एवर द आंसर इज रिक्वायर्ड, यू विल गेट द परफेक्ट आंसर इन योर एग्जामिनेशन हॉल. सो इट विल बी बेटर फॉर यू. एंड द लास्ट वन, कीप योर गोल हाई. सो नेवर कीप योर गोल स्मॉल. यू ऑलवेज थिंक बिग कि आई हैव टू डू सच एंड सच थिंग्स इन माई लाइफ. हो सकता है कि अभी आपको वो फ्रूटफुल होते हुए नजर नहीं आ रहे, लेकिन अगर आप रेगुलरली विदाउट एनी डाउट एंड हैविंग फेथ ऑन योर सेल्फ उसको करते रहे, तो 100% श्योर है कि आप आगे चल के वो सक्सेस आपको मिलना है. तो ये सब चीज का ऊपर थोड़ा सा फोकस करो. एग्जाम बहुत सिंपल लगेगा, देयर इज नथिंग टू वरी रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन. और वरी आप मान लीजिए आप सोच रहे हो अभी कि मैं पहले से ऐसा पढ़ता तो इतना अच्छा करता ना, तुम पहले वाला टाइम आने वाला है ना, तुम्हारा रिजल्ट में कुछ चेंजेस होने वाला है. तो जो तुम पढ़े हो उसका ऊपर अगर फिक्स करेंगे और उसी का ऊपर अगर फोकस करेंगे तो उसमें बेस्ट रिजल्ट हम कर सकते हैं. तो इसीलिए उससे जिससे हम लोग का कोई जिसका कोई इफेक्ट है नहीं ये प्रेजेंट एग्जाम का ऊपर, उसका बारे में सोच के हम अपना टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है. तो इसीलिए आप लोगों ने हमेशा यही कोशिश करो कि व्हाटएवर जो भी हम पढ़े हैं उसमें कैसा बेस्ट करें. जो अपना हाथ प्रेजेंट अपना हाथ में है, पास्ट जा चुका है, फ्यूचर कौन किसी को पता नहीं है. सो प्रेजेंट को यूटिलाइज करो. प्रेजेंट है तुम्हारा करेंसी नोट जो तुम्हारा हाथ में है, तो उसको तुम यूटिलाइज जैसा करोगे उस हिसाब से तुम्हारा रिजल्ट आएगा. फेथ तो हमेशा अपना ऊपर 100% फेथ हमेशा रखो, कोई उसमें डाउट मत लाओ. पॉजिटिव हमेशा रहो, हमेशा कूल रहो. कोई जरूरत नहीं है किसी एग्जाम का रिजल्ट के बारे में कभी भी मत सोचो, क्योंकि कर्म जो गीता भी ऐसा ही गीता में से भी हमको यही सीख मिलता है कि कर्म अपना हाथ में है बट द रिजल्ट इज इट इज नॉट इन आवर हैंड. सो यू फॉरगेट अबाउट द रिजल्ट. तुम सिर्फ फोकस करो कि आगे चल के अभी मेरे को कैसा प्रिपरेशन करना है, आज मेरे को कैसा प्रिपरेशन करना है. इंस्टेंटली आज के बारे में सोचो, ओनली फॉर द टुडे. अगर आज का अच्छा हो गया तो कल डेफिनेटली उससे अच्छा होगा, परसों उससे अच्छा होगा, एंड सो दैट व्हेन योर एग्जामिनेशन विल कम यू विल गेट बेस्ट रिजल्ट और यू विल गिव बेस्ट रिजल्ट. तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने इससे इंस्पायर होके टोटल नेगेटिव थॉट को अपने से दूर करो. एंड अगेन आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन. एंड इन आवर नेक्स्ट क्लासेस वी विल डिस्कस रिगार्डिंग हाउ टू गेट गुड रिजल्ट.